डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नई संसद बनने के बाद पहला बिल महिलाओं के लिए पास होने के चलते आज मेरठ की भाजपा से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहित होकर गुलाल से जश्न मनाया। दरअसल 17 सितंबर से पुरानी संसद भवन की कार्यवाही बंद होकर नई संसद भवन में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस नए सदन में सबसे पहले बिल महिलाओं के लिए लाया गया, जिसके चलते आज मेरठ में भाजपा से जुड़ी सभी महिलाओं ने उत्साहित होकर गुलाल उड़ाते हुए खुशी जाहिर की और जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ तारीफ की बल्कि नए संसद भवन के लिए बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुनिए इस दौरान मौजूद महिलाओं ने मीडिया से क्या कहा। आज हाँ जी, सबने होली खेल के बहुत खुशी मनाई है। अपने प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने नारी शक्ति को एक सम्मान देने का काम किया है। इस भारतीय जनता पार्टी में पहले ही नारी को बहुत सम्मान मिला है, सुरक्षित है नारी आज। और लेकिन आज जो 33% जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, तो उससे तो आप देख सकते हैं सभी महिलाओं में कि कितनी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्जित करती हूँ। मेरा नाम रमा गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री। आज तो जमीन पे पैर नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए आज ये फैसला इतना ऊर्जा भर देने वाला है कि आज उड़ रही है सब महिला राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली बहनें। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नई संसद भवन में पहला बिल महिलाओं के लिए पारित हुआ है। इससे पता लगता है हमारी सरकार की सोच क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है कि बिना नारी के सब कुछ अधूरा है। तो वो एक अधिकार जो गाड़ी के दो पहियों को होना चाहिए कि वो बराबर आए और बराबर चलें, गाड़ी देश की बिल्कुल बैलेंस्ड चले। उन्होंने महिलाओं की सोच, उनकी समझ, उनकी सशक्तिकरण और उनकी पहचान को स्थापित करने के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला किया है। और ये आज का जो भविष्य वर्तमान है महिला बिल नई संसद का, ये इतिहास बनेगा भविष्य का कि नई संसद का पहला बिल महिलाओं को समर्पित। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।